नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। आलोक नाथ इस वक्त चौतरफा घिर गए हैं। उन पर एक के बाद एक कई आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। बहरहाल कल मीडिया के सामने विंता नंदा आई थी, जिन्होंने मीडिया के सामने आलोक नाथ का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। विंता नंदा से जब सवाल किया गया कि उन्होंने घटना के बारे में मीडिया को क्यों नहीं बताया, तो इस पर उनका जवाब था, मैं मीडिया में गई, आर्टिकल भी लिखा, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। विंता ने आगे बताया कि उन्होंने आलोक नाथ की पत्नी आशु सिंह, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, उन्हें भी रेप की घटना के बारे में बताया। इस पर आशु ने बस इतना ही कहा कि वो ये सब सुनकर शॉक्ड है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। आप भी सुनिए क्या कहा विंता नंदा ने। So, I was always working. I left the television industry after my 2 year stint with ZTV. I went on to make my film White Noise, and during the making of that film, I opened up about this particular incident. I spoke about it in a fashion magazine called L'Officiel, in which I personally wrote the whole article, and what I've written on Facebook was written there as well. And subsequently, I had also given an interview to Urvashi Asher of Times of India. It was published in the Times of India that this is what had happened with me. But there was not a murmur about it. Nobody talked about it. Nobody asked me any questions about it. Nobody mentioned it. And there was this air of silence that sustained itself until life went on. And one was like told that good, teaches you a lesson. We told you to keep quiet. You opened your mouth. Kya hua muh kholne ke baad? That is what happened. And then I knew that I had to compartmentalize my life and move on, so I just did that. जी हाँ, विंता नंदा के साथ रेप की घटना हुई और इस घटना के बाद उन्होंने आलोक नाथ की पत्नी को भी पूरा वाक्य बताया, लेकिन सारी जानकारी के बावजूद आलोक नाथ की पत्नी उस वक्त चुप रही और सब कुछ सहती रही। आलोक नाथ की पत्नी आशु सिंह ने साफ तौर पर विंता से यही कहा कि वो इस मामले पर कुछ नहीं कर सकती। आपको यहाँ ये भी बता दें कि विंता नंदा और आशु सिंह बेस्ट फ्रेंड थी, दोनों के बीच काफी अच्छे रिलेशन थे। यही वजह है कि विंता नंदा ने आलोक नाथ पर किसी भी तरह की कार्रवाई की मांग करते हुए कोई कदम नहीं उठाया। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।